सब लोग हाथ जोड़िए, बोलिए साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना, महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना, परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष पुण्य स्मृति समारोह विशेष तकाल कथे श्रद्धावान उपासक नारायण गुदंगा आउटे उनका दूसरी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में यहाँ पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करके रखे है। यहाँ उपस्थित है पूजनीय भिक्षु कन्या रत्न थेरो माता जी, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधी प्रमुख श्रामगण भी उपस्थित है और यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा विशेष परिक्रम का तथा धम्म देशना कार्यक्रम होगा। सर्वप्रथम ये जो फूल ये उतराने का कार्यक्रम संचालन करने के लिए धन्यवाद मंत्री को एक बार हस्तांतरण कर उपासक राजरत्न नारायण औटे यांनी महाकरुणिक तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेची पूजा करायचे, पुष्प अर्पण करा आणि मेणबत्ती लावा। अर्पण दोघं पती पत्नी आहे ना दोघं उपासिकाई शिला देवी नारायण रावटे आईने समोर येऊन महाकरुणिक तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेची पूजा करायचे। माला लगाने के लिए साधु 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 प्रमुख परिवार औट्य परिवार या ठिकाणी महाकरुणिक तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांची पूजा करते। ऊपर की अगरबत्ती है ऊपर का धोना तो डाल दो हां क्योंकि ऊपर का ऊपर ही जाएगा ये लाओ लाओ एक एक लाओ हमने No, no, no.
अभी मत लगाइए, बस हो गया, कितना लगा रहे ऊपर है करके मधुरा मोड़ बोलना शक्य नहीं, बहुत कठिन जाती है बोलना, ये ऊपर ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आना था। नहीं आता है, नहीं आएगा थोड़ा ज़्यादा हुआ तो वो कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना। चलो बस सर, कितने को सर्वान्य हाथ जोड़ा भैया कुठे गेला रे जारे मुंडा मुंडी जारे तिनी तिनी सर्व ना हो सर्वांनी हात जोडा सुंदर असे माझ्या पाठीमागे म्हणा। भिक्खू संघाला आपण सर्वांनी याचना करायची आहे त्रिशरण पंचशिलासाठी, नंतर पूज्य भिक्खू इंदवंशीजी महास्तवीर आपल्या सर्वांना त्रिशरण पंचशील देतील। म्हणा साधु 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 ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेन कथं सवापराधं त्वमतु मे भन्ते द्वितीयं पि वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सवापराधं त्वमतु मे भन्ते तृतीयं पि वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सवापराधं त्वमतु मे भन्ते ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सातिं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं तेत मे भन्ते द्वितीयं पि अहं भन्ते तिसरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयं पि अहं भन्ते तिसरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि भूतं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि
सब्बे शरणागमनं परिपूर्णं पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिनदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि चोरामेरयो मज्जपमादत्ताना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 भूतं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संपूर्ण उपासक उपासिकाएं एक बार हाथ जोड़िए, ऐसे छाती में लगा के हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी अभी पंचशीला प्रार्थना किया, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके पांच शील खूब अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प लिया, अधिष्ठान किया। अभी पूजने भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ होगा। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण पाठ अभी करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से विशेष विशेष उपलक्ष्य से जो हम ये परित्राण पाठ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, काल कथित उपासक नारायण भुजंग आउते उपासक को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्ति निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। साथ ही साथ संपूर्ण आहुति परिवार, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ यह अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए अभी पूजने भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए तीन बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवाले सुवात्रा गच्छन्तु देवता सदामं सुनन्तु सगमोखदं
धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता परित धम्म श्रवण कालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये संता संतचित्ता ते शरण शरण यथा लोकान्तरे वा ब्रह्मा च देवा गुणगणगहन यावता सापकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजेव सन्तो 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 सहेतो मुनिवरवचन सोतु मागं समग्गा सापेषु चक्रवालेषु यकादेवाच ब्राह्मणो यामेकतां पुण्या सापसम्पत्ति साधकं सापेतां अनुमोदयित्वा समग्गा शासने रता पमादरहिता भवन्तु आरक्षासु विशेषतो शासन स च लोकाश उदे भवतु सर्वदा शासनं पिञ्च लोकाञ्च देवा रक्षन्तु सर्वदा शान्तिं वन्तु सुखे सर्वे परिवारे यातनो अनिकासु मनावान्तु सहसाभ्ये ज्ञातिभि राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा कानुकतो वा कान्तकतो वा नाकततो वा जनपदलोकतो वा असतम्मतो वा असन्दितितो वा असपुरिषतो वा जन्दाति असमिघा गोना कुकुरा अयिवेचिका मणि सपदीपे आचादरच सुकरमञ्चयकरकसादेहे नानाभयतो वा नानारोगतो वा नाना उपदवतो वा सपे अरक्षङ्गन्नन्तो एतेन स च वज्रेण श्रोतिते ओतु सर्वदा एतेन स च वज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन स च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो
jarana-sambhano sukato lokabhedo anuttaro purisa dhamma sarate satta deva manusana buddho bhagavate svakato bhagavata dhammo sandhite ko akaliko yai pasiko upanayiko pachatam vedita uvinyo hite supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyaya patipanno bhagavato savaka sangho samecci patipanno bhagavato savaka sangho yadi tanjattari purisa yugane atta purisa pukala yesa bhagavato आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्याख्येतं लोकसाते येतेन सच वचेन सोतिते वोतु सबदा येतेन सच वचेन Sabba dukkha, sabba bhaya, sabba rogo vinasato. Yetena satcha vachena, otute jaya mangala. Karaniya mata kusalena, yantan santan padan abhisamecha. Sakko ujuca sujuca suvacoca samudu anatimane Sandu sakoca subaroca apakicoca sallauka ude Sandendrioca nipakoca apagapukulesu ananugedo Nacakutang samacare kinci Yena vinyo pare upavadayo Sukino va kemino vantu Sabbe satta bhavantu sukitata Yekinci pana bhutati Tasavata varava anavasesa Dhegava eva mantava Majjimarasa kanukatula Dhetava eva dhetta Yeta dure vasanti abhidure Putava sambhavesiva Sabbe satta bhavantu sukhitata Na paro parannikupeta Nati manyeta kata chinankanche Vyaro sanapatika sanya Nanya manya sadukkhamicheya Mata yatani ambutan Ayusaye kaputta manurakhe Evambi sabba bhutesu Manasam bhavaye aparimana Metanja sabba lukasmin Manasam bhavaye aparimana Utang adocha tiriyancha Asambhatang avedang asapatang Pitanjarani sinnova Sayanova yavata savigata medo Etanjatinga ritteya
ब्रह्ममेतं विहारं इदम् चानुपगम शीलवद्दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनियोगेन नहि जातु गर्भाशया पुनरेति ते एतेन स च वज्रेण श्रोति ते वो तु सर्वदा एतेन स च वज्रेण सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो एतेन स च वज्रेण होतु ते जय मङ्गलं यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनः पोषकुनः साधो पापगहो दुःसुपिनाङ्गकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनः पोषकुनः साधो दुःसुपिनाङ्गकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनः पोषकुनः साधो पापगहो दुःसुपिनाङ्गकान्तं सङ्गानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निदुःख भयपत्ता च निभय शोकपत्ता च निशोक वन्दो सपे पिपानिनो एतावता च मे संवदं पुण्यसंवदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा मनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलभक्ता पञ्चेकानञ्जयं बलम् अरहन्तानञ्च तेजेन रक्षं वन्दामि सपशो आकाशता च भूमता देवानागमहिदिगा पुण्यां अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमता देवानागमहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमता देवानागमहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बाकी सब लोग बैठे हैं अभी
पूजनीय भिक्षु संघ को ये चीवर दान दे रहे हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो कुशल पुण्य कहते हैं, जो हम दान शील भावना करते हैं, वैसे ही तथागत बुद्ध महाकुशल के विषय में भी बताते हैं, जो एक बार पुण्य करने के बाद भी बार 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 वो पुण्य होता रहता है, तो वो महाकुशल चीवर दान देना, बिहार दान देना, बिहार के लिए जमीन दान देना, ये महाकुशल है। तो ऐसे ही ये अस्त परिष्कार चीवर दान देना भी महाकुशल में आता है। तो ऐसे पुण्य संघ को हम दान दे के कर रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हो जाइए, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इस पुण्य का अनुभव से विशेषतः कालकथित उपासक नारायण उपासक को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो, ऐसी कामना करते हुए ये चीवर दान देने के लिए सब लोग हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। हाँ बोलिए, इमां चीवरां साथा परिखारां भिक्षु संघस्य देमां पूजयेमां द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। इमां चीवरां साथा परिखारां भिक्षु संघस्य देमां पूजयेमां इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु। इदं मे पुण्यं निर्वाणस्य पचयो होतु। इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। साधु साधु दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना भूतायन्तु रक्षन्तु। दूसरा एक एक कप जोड़ी जोड़ी आके साधु दान देते समय साधु का देना है। और एक आइए वहां बैठ के दीजिए, हम बैठ के खाली बसुन जा। साधु 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 सबसे बैठ के ध्यान दीजिए। साधु दीजिए दीजिए साधु साधु साधु। अभी संपूर्ण उपासक उपासिका अपनी जगह पर बैठिए, पूजनीय भिक्षु संघ का अभी धम्मादेश ना होगा। सब लोग अपने अपने जगह पर बैठिए, आइए। या समोर या सुनने वाले सामने बैठिए, परिवार के लोग सामने बैठिए, सुनना चाहिए। हाँ परिवार के लोग बाद में जाके नहीं सुनेंगे,
बुलाइए मोहन को, प्रवचन सुनने वाले संभव सामने सामने इधर इधर अभी पूजन है भिक्षु संघ का कमादेश न होगा। सब लोग बोलिए साधु साधु साधु। अभी पूजन है भिक्षु पन्या रत्न ठेरो पंत जी आप लोगों को धम्मदेश देंगे। आप लोगों का पुण्य बहुत अच्छा है कि विपश्यनाचार्य पंत जी है, विपश्यना सिखाने वाले पंत जी, तो पंत जी आज यहाँ आए है। अभी अनुकंपा पूर्वक आप लोगों को धम्मदेश देंगे। सब लोग ध्यान से सुनिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सब्बे संखारा अनिच्छति यदा पञ्याय पश्यति अत्तनिबिन्दति दुःखे एषमग्गो विशुद्धया। सब्बे संखारा दुःखाति यदा पञ्याय पश्यति अत्तनिबिन्दति दुःखे एषमग्गो विशुद्धया। सब्बे धम्मा अनताति यदा पञ्याय पश्यति अत्तनिबिन्दति दुःखे एषमग्गो विशुद्धया। देवानि मनुष्याश्चैशास्ता महाकारुणि तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध तथागतांच सद्धम्म तथागतांच श्रावक संघ या तीन रत्नाला विनम्र अभिवादन। या तीन रत्नाची ओळख करून देणारे या तीन रत्नामुळे आपलं सर्वांचं मंगल होणार आहे असं ठामपणे सांगणारे विश्वरत्न बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महान धम्मक्रांतीला संपूर्ण आयुष्य समर्पण। आज कालकथित बाबा नारायण भुजंगा आवटे यांच्या द्वितीय पुण्यानुमोदनाच्या निमित्ताने उपस्थित भिक्खू संघ, आमच्या भिक्खू संघामध्ये ज्येष्ठ पूजनीय भिक्खू इंदवंशजी डॉक्टर इंदवंशजी महास्तवीर यांनाही विनम्र अभिवादन। उपस्थित भिक्खू अनुरुद्धजी ढेरो, भिक्खू मंगलबोधी, बंदे पण्यारकित, सर्व औटे परिवार, सर्व ज्ञातिगण, उपासक उपासिकांनो, आपण सुंदररित्या पुण्याचं अनुमोदन करण्यासाठी उपस्थित आहात। कालकथित बाबा नारायण भुजंग आवटे बाबांच्या दुसऱ्या पुण्यानुमोदनाच्या निमित्ताने आपण जे पुण्यकर्म करत आहात, भगवान तथागत सम्यक संबुद्धाने पुण्य कर्म करत असताना त्याचबरोबर आपल्या चित्ताची चेतना अशा प्रकारची बनवली पाहिजे असं भगवान म्हणाले। दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्खन्तु सप्पदा भावना भिरता हुंतु गच्छन्तु देवतागता असं भगवंताने अतिशय सुंदरित्या उपदेश दिलेला आहे। आपण आपल्या ज्ञातीगणांच्या नावाने जेव्हा जेव्हा दान देत असतो तेव्हा त्यामध्ये आपले दोन लाभ असतात। एक तर आपण आपल्या ज्ञातीगणांचं नाव पुढे करून
त्यांच्या सुगतीची मंगल कामना करत मंगल मैत्री करत आपण हे सर्व दान देत असतो. त्याचबरोबर आपण सर्व वर्तमान परिवार या दानाचं प्रत्यक्ष आपल्या आपल्या हस्ते सर्व परिवार भिक्खू संघाला पूजनीय सदा पूजनीय भिक्खू संघाला हे दान देत असतात तेव्हा नक्कीच सर्व औटे परिवारांचा सुद्धा त्यामध्ये मोठा लाभ आहे. भगवान तथागत सम्यक संबुद्धाने दानाची व्याख्या करत असताना जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारचं कुशल कर्म सत्कर्म पुण्यकर्म होईल तेव्हा तेव्हा बाकी सर्वच उपस्थित त्यांनी अतिशय सुंदररित्या नेहमी नेहमी आपल्या चित्ताने प्रसन्न राहून ते सर्व दान सोहळा प्रसन्न चित्ताने पाहून मनातल्या मनोत त्या दानाचं अनुमोदन करत राहिलं पाहिजे. ते दान अतिशय सुंदररित्या या ठिकाणी सदा पूजनीय उपस्थित भिक्खू संघ आहे आणि सर्व औटे परिवार किती सुंदररित्या आजच्या या प्रसंगी हे सर्व दान करत आहेत म्हणून आपण सर्वांनीच मन प्रसन्न केलं पाहिजे. आपण पाहिलेलं आहे याचाही खूप मोठा लाभ आहे. आपण इतरांच्या पुण्यामध्ये सहभागी होणं कधी कधी इतरांच्या पुण्याचं अनुमोदन करत असताना सुद्धा आपण नाना प्रकारच्या सुगती प्राप्त करत करत नाना प्रकारच्या वरच्या वरच्या लोकांमध्ये उत्पन्न होत होत होऊ शकते आपण दुःखमुक्तीच्या मार्गातून बाहेर निघण्यासाठी किंवा हे संपूर्ण भवचक्र दुःखचक्र लोकचक्र संसारचक्र पार करण्यासाठी आपलं हे दानाचं अनुमोदन सुद्धा खूप सुंदररित्या सहाय्यकार ठरू शकते म्हणून आपण सातत्यानं दानाचं अनुमोदन केलं पाहिजे. आपण आधी सांगितल्याप्रमाणे सर्व औटे परिवार अतिशय सुंदररित्या गेल्या 2 वर्षापासून कालकथित बाबा नारायण भुजंग आवटे बाबांच्या पुण्याच्या अनुमोदनाच्या निमित्ताने दान करत आहेत. आपण पाहिलेलं आहे की सर्व संस्कार अनित्य आहेत. भगवान तथागत सम्यक संबुद्धाने अतिशय सुंदररित्या सर्व मनुष्यांना सजग केलेला आहे. आपली नक्कीच आपल्या प्रिय असणाऱ्या आपल्या ज्ञातीगणांच्या प्रती आपली आसक्ती असते आणि आसक्तीच्या मुळे आपण आपले ज्ञातीगण आपल्यातून जेव्हा निघून जातात तेव्हा आपण दुःख करतो शोक करतो नाना प्रकारच्या यातना करतो किंवा नाना प्रकारचा आक्रोश करतो. हे सर्व भगवान बुद्धाने 2500 वर्षापूर्वी अतिशय क्लिअर आणि अतिशय स्पष्टपणे लोकांच्या मध्ये मांडलेलं आहे मनुष्यांनो. कारण आपणच काय तर सर्वच प्रकारचे संस्कार जे कसे अनित्य आहेत आपण प्रत्येक मनुष्याने या सर्व प्रकारच्या संस्काराला जाणत होणं जाणत राहणं हे अतिशय आवश्यक आहे आणि म्हणूनच भगवान बुद्धाने सभ्य संखार अनिच्छाती यदा पण्याय पसती अत निबिंदती दुःखे या समगो विसुद्धिया असं भगवान म्हणतात की सर्वच प्रकारचे संस्कार कसे अनित्य आहेत आणि अनित्य असल्यामुळे आपण पाहतो या पृथ्वी तलावर जीवन जगणारे बिनपायाचे दोन पायाचे चार पायाचे अनेक पायाचे सत्व जेवढे काही जन्मले ते सर्व एक ना एक दिवस मरणार आहेत. एक ना एक दिवस ते आपल्याला सोडून जाणार आहेत आपल्यातून निघून जाणार आहेत. तेव्हा आपण मात्र त्यांच्या पश्चात त्यांच्या नावाने अशा प्रकारे कुशल कर्म सत्कर्म पुण्यकर्माचं आयोजन केलं पाहिजे जेणेकरून या पुण्यकर्मामध्ये पूजनीय लोकांचा सन्मान करणं पूजनीय लोकांच्या प्रती जो काही गौरव करणं हे त्यामध्ये सर्वच येते. म्हणून आपण आजच्या प्रसंगी जे काही पुण्यकर्म करत आहात सर्व औटे परिवार आणि सर्व ज्ञातीगण सर्वजण भिक्खू संघ आजच्या या क्षेत्रा म्हणजे या ठिकाणी आजच्या वर्तमान काळामध्ये पूजनीय भिक्खू संघच पुण्याचं क्षेत्र आहे. कारण भगवान तथागत सम्यक संबुद्धाने सांगितलेल्या मार्गावर अरूढ होऊन आपलं जीवन जगत असताना आपल्या या मार्गावर आपल्या सोबत चालणाऱ्या अनेक उपासक उपासिकांच्या हिता सुखा मंगलासाठी सहाय्यकारी ठरणारा हा पूजनीय भिक्खू संघ आहे आणि म्हणून आपण सदोदित अतिशय श्रद्धायुक्त चित्ताने ज्या काही वस्तू द्यायच्या असतात ते भिक्खू संघाला दान दिले पाहिजे. म्हणूनच भगवान बुद्धाने दानं ददंतु सद्दाय शीलं रक्खन्तु सपदा भावना बेरता होतो गच्छन्तु देवता गता असं म्हटलेलं आहे. म्हणून दान देण्याचं एक अनुमोदन करण्याचं एक फार मोठं वेगवेगळे दोन्हीचे पुण्य आहेत. आपण पाहतो की अनेक वेळा कधी कधी ज्यांच्याकडे पैसे आहेत किंवा जे पुढं होऊन एखादा परिवार पुण्यकर्म करत असतील काही मोठ्या मोठ्या वस्तू भिक्खू संघाला दान देत असतील तेव्हा त्या वस्तूकडे पाहून किंवा त्या देणाऱ्या वस्तूकडे पाहून
बाकीच्या लोकांना वाटते त्यांना काय त्यांच्याकडे खूप पैसे असते म्हणून देत असतील, परंतु जेव्हा जेव्हा आपल्या चित्तासमोर जेव्हा कधी अशा प्रकारचं पुण्य होईल तेव्हा आपलं मन ते सर्व पुण्य पाहून प्रसन्न झालं पाहिजे. कारण आपण दुसऱ्या मी आधीच म्हणत होतो याचा खूप मोठा लाभ आहे. एक वेळेस असं छोटं उदाहरण आहे, तुम्ही ऐकलं असेल की आपण पाहिलेलं आहे माता विशाखा यांनी खूप मोठं जीवनामध्ये पुण्य केलेलं आहे, खूप मोठं मोठं पुण्य केलं आणि त्या पुण्याच्या बलाने स्वतः ते उच्च प्रकारच्या देवता लोकामध्ये उत्पन्न झाल्या आणि त्यांनी वयाच्या 120 वर्षापर्यंत मरेपर्यंत पुण्य केलं आणि पुण्यकर्म केल्याच्या नंतर ते उच्च प्रकारच्या देवता लोकामध्ये उत्पन्न झाल्याच्या नंतर तिथे मात्र त्या देवता लोकामध्ये त्यांच्या बरोबर विशाखा मातेबरोबर एक त्याच विशाखे मातेच्या सोबत काम करणारी एक दासी पण उच्च प्रकारच्या देवता लोकामध्ये उत्पन्न झाली आणि म्हणून तिथे उत्पन्न झाल्याच्या नंतर त्या देवता लोकामध्ये समान देवता लोकामध्ये उत्पन्न झाल्याच्या नंतर तिथे त्यांची भेट झाली आणि विशाखा जी होते त्या देवताने त्या दाशी असणाऱ्या देवताला विचारलं, तू तर इथं कशी काय जन्म घेतलास, तू इथं कशी उत्पन्न झालीस, मी तर एवढं पुण्य केलं, माझ्या जीवनामध्ये एवढं दानकर्म केलं म्हणून मी एवढ्या वरच्या लोकांमध्ये उत्पन्न झाले आणि तू कशी इथं आलीस. तेव्हा दासीला विचारल्याच्या नंतर ती म्हणते, मालकीनबाई जेव्हा जेव्हा तुम्ही सर्व माझ्या डोळ्यासमोर जेवढं जेवढं कुशल कर्म सत्कर्म पुण्यकर्म करत होतात तेव्हा मी तुमच्यासोबत येऊन त्या पुण्याचं अनुमोदन करून मनामध्ये खूप प्रसन्न होत होते. माझी मालकीन किती सुंदर मोठं दान करत आहे, माझी मालकीन किती छानपैकी भिक्खू संघाला बोलावून अशा प्रकारच्या नाना प्रकारच्या वस्तूंचं दान करत आहे आणि मी मनामधून प्रसन्न होत असल्यामुळे मनोमय माझ्या मनातून अनुमोदन निघत असल्यामुळे मी त्याच पुण्याच्या बलाने एवढ्या मोठ्या उच्च प्रकारच्या देवता लोकांमध्ये उत्पन्न झाले. म्हणून आपण दानकर्म जे कोणी करतात त्या दानाला पाहणारे त्या दानाला श्रवण करणारे त्या दानाचं जेव्हा जेव्हा आपल्याला ऐकायला येईल असं असं दान होत आहे, आपल्याला डोळ्यानं पाहता येईल असं असं आपल्या डोळ्यासमोर दान होत आहे तेव्हा तेव्हा आपल्या मनामधून साधू करायला पाहिजे, साधू 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 असं दान झालं पाहिजे, अशा प्रकारचं पुण्याचं अनुमोदन झालं पाहिजे. अशा प्रकारे बुद्ध धम्म संघाच्या भरतीसाठी उपासक उपासिकांनी सज्ज असलं पाहिजे, सजग असलं पाहिजे आणि सजग असून हे सर्व कर्म केलं पाहिजे. या कर्माचा दोन प्रकारे तीन प्रकारे अनेक प्रकारे लाभ होतो. आपण आधी म्हणल्याप्रमाणे एकतर कालकथित आपल्या ज्ञातीगणांच्या सुगतीसाठी या पुण्याचा लाभ होतो आणि वर्तमान आपल्या सर्व परिवारालाही हे सर्व पुण्य पाहून आपल्या मनाची प्रसन्न होतो होते आणि अनेक आपल्या ज्ञातीगणांचा सुद्धा त्याच्यामध्ये लाभ होतो आणि म्हणून अशा प्रकारचं पुण्य कुशलकर्म सत्कर्म सातत्याने केलं पाहिजे. आज सुंदररित्या सर्व औटे परिवाराने एकत्र ठेवून कालकथित बाबा नारायण भुजंगा आवटे बाबांच्या द्वितीय पुण्यानुमोदनाच्या निमित्ताने हे सर्व कुशलकर्म सत्कर्म पुण्यकर्म केलं. या सर्व पुण्याच्या बलाने कालकथित बाबा नारायण भुजंगा आवटे यांना सुगतीचा लाभ हो, उत्तरोत्तर हे पुण्य त्यांना सुगती लाभत लाभत निर्वाणाकडे घेऊन जाण्यासाठी सहकार्य करो. उपस्थित सर्व आवटे परिवार सर्वांनाच आयु आरोग्य सुख आणि बल लाभो अशा प्रकारची मंगलकामना. त्याचबरोबर आवटे परिवारांच्या या पुण्याच्या अनुमोदनामध्ये उपस्थित असणारे सर्व ज्ञातीगण उपासक उपासिका आपल्या सर्वांनाच आयु आरोग्य सुख आणि बल लाभ अशा प्रकारची मंगलकामना व्यक्त करून अतिशय छोटीशी संक्षिप्त माझी धम्मदेसना या ठिकाणी थांबवतो. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो. साधो साधो साधो. ठीक आहे, सगळं हात जोडे और बोलिए साधो 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 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. महाकारुणे तथागत भगवान बुद्ध को परिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित
सो आख्या धम्म को त्रिवार वंदना महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ पूजनीय भिक्षु पन्यारत्न थेरो पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि और पांते क्या ज्ञान क्या उनका नाम प्रज्ञा रचित ऐसा कुछ है वो पांते जी प्रमुख संपूर्ण यहाँ उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं आज हम विशेषतः पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में यहाँ जमा हुए हैं। तथागत बुद्ध के समय में एक उपासक भगवान बुद्ध के पास आते हैं और आते ही भगवान बुद्ध के पास बहुत रो रो के बहुत शोक संताप करके तथागत बुद्ध के पास बैठे रहते हैं। तथागत बुद्ध को कुछ कह रहे हैं, बुद्ध बार बार बोलते हैं उपासक शांत रखो धैर्य रखो, क्या बोलना है बोलो। बहुत देर तक रोते रहे शोक संताप करते रहे, फिर तथागत बुद्ध को बोलते हैं, भगवान आप बड़े हैं, आप बुद्ध हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरे पिताजी को पार लगाइए। पार लगाना है क्या करना है ठीक से बोलो। तथागत बुद्ध को वो उपासक कहते हैं, भगवान मेरे बहुत ही प्रिय पिताजी आज अचानक से गुजर गए, उनका दाह संस्कार संपन्न होने के बाद मैंने आपके बारे में सुना तो आपके पास भागा भागा आया कि मैंने सुना है कि आप सब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरे पिताजी को सुगति भेज दीजिए, मेरे पिताजी को अच्छे जगह पे भेज दीजिए। उस समय तथागत बुद्ध वो उपासक को देखते हैं और उसके मनस्थिति को देख के तथागत बुद्ध उसको समझाते हैं। और समझाने की तरीका है भगवान बुद्ध का, कोई भगवान बुद्ध के पास आए और कोरा ही चला जाए, खाली चला जाए, ऐसा बहुत कम बार होता है। तो तथागत बुद्ध लोगों को समझाने के लिए कभी कभी सीधे सीधे बात बताते हैं, कभी कभी वो बात को समझाने के लिए और व्याख्या विस्तार पूर्वक बताते हैं, कभी कभी उसको और समझाने के लिए और सारा कहानियां उदाहरण एग्जाम्पल देके बताते हैं, और कभी कभी तो उसको ही प्रति प्रश्न करके उसी को प्रश्न पूछते पूछते समझाते हैं, और कभी कभी तथागत बुद्ध उपाय कौशल्य भी करते हैं, मतलब उसको कैसे समझाता है उस तरह से उपाय उपाय कौशलता भी करते हैं। तो उस समय भी तथागत बुद्ध देखते हैं इतना शोक संताप कर रहे हैं, पिताजी के वियोग में इतना रो रो रहा है, तो इसको समझाने से तो ये नहीं समझेगा, चलो इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, ठीक है तुम्हारे पिताजी को पार लगाना है ना, सुगति भेजना है ना, तुम ऐसा करो कि दो मिट्टी के बर्तन ले लो, एक में घी भरो एक में रेती भरो। तो वो तो अभी पैसे वाला तुरंत नौकर को बुला के दो मिट्टी के बर्तन लिया, एक में घी भर दिया एक में मिट्टी भर दिया, और बहुत प्रसन्न कि मेरे पिताजी के लिए बुद्ध कुछ कर रहे हैं। तथागत बुद्ध तो उनको लेके एक तालाब में लेके जाते हैं, फिर कहते हैं, अभी ये जो रेती से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन पानी के ऊपर फोटो फोट दिया, सारा रेती पानी के अंदर गया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अभी ये जो घी का ये बर्तन है इसको भी पानी के ऊपर फोटो। वो उपासक बहुत प्रसन्न कि मेरे पिताजी के लिए तथागत बुद्ध बहुत बड़ा कर्म कांड कर रहे हैं, अब मेरे पिताजी सुगति जाएंगे, प्रसन्न होके वैसे ही वो घी वाला बर्तन भी फोट देते हैं, उसका सारा घी पानी में आता है और पानी में तैरते रहते हैं। उस समय तथागत बुद्ध वो उपासक को कहते हैं, हे उपासक अभी ऐसा करो, जो ये पानी में तैर रहा घी है ना, उसको पानी के अंदर भेजो, और जो पानी के अंदर जो गए हुए रेती है ना, उसको पानी के ऊपर ही तैरने लगाओ। तो वो देखते रहते हैं बुद्ध ये क्या कह रहे, तो
बुद्ध समझाते हैं, उपासक समझ में नहीं आया क्या? जो पानी के ऊपर ऊपर तैर रहा है घी है, उसको पानी के अंदर जाने लगाओ, और जो पानी में डूब गया हुआ रेती जो है उसको पानी के ऊपर तैरने लगाओ, ऐसा कहने से वो बात कहते भगवान ऐसा तो संभव ही नहीं। हाँ, घी का स्वभाव हल्का है, वो पानी के ऊपर ही तैरेगा, और रेती का स्वभाव भारी है, वो पानी के नीचे ही जाएगा। ऐसे कैसे संभव है कि घी नीचे जाए और रेती ऊपर ही तैरता रहे? बुद्ध पूछते हैं संभव नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक मैं भी तो यही बता रहा हूँ, मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, घी का स्वभाव है पानी में तैरना, ये कैसे डूबेगा, और रेती का स्वभाव है पानी में डूबना, ये कैसे पानी में तैरता रहेगा? उसी तरह दुनिया में जो जो इंसान ने घी जैसा हल्का फुल्का अच्छा कुशल कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, हाँ, वो ऊपर 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 सुगति में ही जाएगा। हाँ, और जिसने रेती जैसा भारी भारी कर्म किया है, पाप किया है, अकुशल कर्म किया है, दुनिया को दुख कष्ट दे के बैठे है, दुनिया भर के पाप कर्म करके बैठे है, ऐसे भारी भारी कर्म करने वाले, वो तो नीचे नीचे ही डूबेगा, दुर्गति में ही जाएगा, उसे कौन रोक सकता है? जो अच्छा पुण्य कर्म करते हैं उसको यहाँ भी सुख मिलता है, वहां भी सुख मिलता है, मरने के बाद अरे वो अमुक व्यक्ति हमें पसंद नहीं, हजारों लोग मिलके वो नर्क में जाए नर्क में जाए नर्क में जाए ऐसा प्रार्थना करने से वो दुर्गति में जाएगा क्या? क्योंकि उसने अच्छा कर्म किया है, अच्छी जगह पे जाएगा। मगर जिसने जीते जी दुनिया भर को दुख कष्ट दिया, दुनिया भर को एकदम शोषण किया, पाप किया, अकुशल किया, और मरने के बाद उसके चाहने वाले हजारों मिलके हमारे प्रिय व्यक्ति सुगति जाए सुगति जाए सुगति जाए ऐसे प्रार्थना करने से सुगति जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध अच्छे से समझाते हैं, जीते जी हमें पुण्य करना चाहिए, हमें धम्म करना चाहिए। तो इसका मतलब मरने के बाद जो भी हमें पुण्य कार्य कर रहे ये सब बेफिजूल की बात है क्या? ये सब बिन काम का कर्मकांड है क्या? नहीं, ये जो हम कर रहे एक तरह से ये मानवीय गुण धम्म कर रहे है। तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में दो प्रकार के लोग दुर्लभ है, एक निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला, और दूसरा उपकार को स्मरण करके कृतज्ञ होने वाला। ये दो प्रकार के लोग बहुत दुर्लभ है। दुनिया में लोग दूसरों को उपकार भी करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ ढूंढते हैं। हाँ, मैं 1000 रुपए किसी को मदद कर रहा हूं तो मुझे 2000 रुपए बराबर का प्रशंसा मिलना चाहिए, या माइक में अनाउंस होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। हाँ, थोड़ा भी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उपकार करते हैं तो उससे ज्यादा ज्यादा चाहते हैं, जैसे बिजनेस जैसा। मगर निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला बहुत ही कम है, दुर्लभ है। वैसे ही लोगों ने कितना भी हमें उपकार किया हो उसको याद करना मुश्किल है, थोड़ा भी गलती किया हो तो उसी को याद करके उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा सोचा था, ठहरो मेरी भी बारी आएगी करके हम उसके प्रति द्वेष भाव रखते, गुस्सा रखते, क्रोधित होते, बदला लेने की भाव रखते। मगर लोगों ने सही में मेरे ऊपर इतना उपकार किया करके वो गुण को याद करके कृतज्ञ होने वाले बहुत ही कम है। तो ऐसे दुर्लभ गुण धम्म हम भी अपने में लाने का प्रयास कर रहे हैं ये पुण्य कार्य करके। एक तो नारायण उपासक गुजर गए, गुजर गए तो भूल गए, ये तो पशु पंछी करते हैं, वो तो दूसरे जानवर करते हैं, हम तो इंसान है, हम में वो कृतज्ञ गुण है, इसलिए हम उनके ऊपर याद करके उनके पुण्य स्मृति में हम ये पुण्य संचय कर रहे हैं और पुण्य अनुमोदन भी कर रहे हैं। अभी जो हम पुण्य संचय करके पुण्यानुमोदन करेंगे वो पुण्य उनको प्राप्त होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है।
होता है। कभी आप लोगों ने सुना क्या, किसी के नाम पे हमने पुण्य अनुमोदन किया और उसको पुण्य मिला और वो आके थैंक यू बोला, ऐसा कभी सुना क्या? नहीं, न उनको पुण्य मिला करके थैंक यू बोलने आएंगे, न उनको पुण्य नहीं मिला फिर से एक बार अच्छे से पुण्य करके भेजो करके बोलने आएगा। मगर ये हमारा कर्तव्य है कि हम पुण्य करें और पुण्य अनुमोदन करें। एक तो कर्तव्य कर रहे, दूसरा हम प्रत्यक्ष ये नाम पे, हाँ उनके नाम पे हम पुण्य कर रहे हैं ना, प्रत्यक्ष हम दान दे रहे, प्रत्यक्ष हमने शिल पालन करके बैठे, प्रत्यक्ष हम ध्यान एकाग्र करके बैठे, प्रत्यक्ष धम्म देशना सुन के बैठे, हम पुण्य कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए भी ये लाभदायी हो गया और ये मानवीय गुण धम्म भी कर रहे। और रहा उनको पुण्य मिलने ना मिलने का, तथागत बुद्ध कहते हैं मरने के बाद ऐसी जगह पे जन्म हुआ जहाँ दूसरों के दिया हुआ प्राप्त करके ही जीते है, ऐसे पेट में जन्म हुआ तो वो लोग पुण्य का आशा करते हैं कि हमारे ज्ञाते बंधु हमें पुण्य छोड़े, हमारा उपकार हो करके आस करते हैं। तो ऐसे समय में हम पुण्य करके पुण्यानुमोदन करेंगे तो उन लोगों को वो पुण्य प्राप्त होता है। नहीं, अभी उसने जीते जी बहुत पुण्य किया है और वो सुगति में गया, अच्छे जगह पे गया, इंसान होके जन्म हुआ, तो पुण्य की प्राप्ति आस थोड़ी ना करेंगे। हाँ, तो उन लोगों को पुण्य भले ही ना लगे पर हम जो पुण्य कर रहे हैं ये हमें ही प्राप्त होता है। इसलिए एक तरह से ये मानवीय गुण धम्म भी हम निर्वाह कर रहे हैं, बाकी हम प्रत्यक्ष पुण्य भी कर रहे हैं। और ऐसा माहौल हमें बार 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 बनाते जाना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। अब ये उपासक का पुण्य स्मृति है करके कितनी ज्ञाति बंधु कहाँ कहाँ से जमा हो गए, बाकी कहाँ कहाँ से जमा हुए वो तो पता नहीं, पर औरंगाबाद से आए हैं, वहाँ दिल्ली से श्रीकांत आ गए परिवार के साथ, है ना, यहाँ वहाँ गांव से आ गए, इधर उधर से ये पुण्य कार्य में सहभागी होने आ गए ना। अगर ये वजह न होता तो इस समय न जाने कहाँ होते, क्या करके बैठते, अपने अपने दुनिया में मस्त तो होता, पर ऐसे पुण्य कार्य करके नहीं बैठते, ऐसे पूजनीय भिक्षु संघ का दर्शन न होता, तथागत बुद्ध का जो वाणी सुनने को नहीं मिलता, ये दान देने का अवसर न मिलता, तो ये सब तो उनकी वजह से मिल रहा है ना। तो उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ होके जब जब मौका मिले हमें पुण्य करते रहना है, पुण्यानुमोदन करते रहना है। देखिए, अगर सामने सामने रहता, जैसे आई सामने है, आई को हम अनेक तरह से अच्छे अच्छे खाना देके भी सेवा कर सकते हैं, अनेक तरह से कपड़े देके भी सेवा कर सकते हैं, गहना देके भी सेवा कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे घर में रख के भी सेवा कर सकते हैं, अनेक तरह से पैसा देके भी सेवा कर सकते हैं, अनेक तरह से शारीरिक रूप से भी सेवा कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी सेवा कर सकते हैं, हर तरह से सेवा कर सकते हैं और खुश बना सकते हैं, और करना भी चाहिए, जीते जी करना चाहिए, मरने के बाद करने से कोई लाभ नहीं है, जीते जी करना चाहिए, ये पहली बात। अब दूसरी बात, जब गुजर गए, हर कोई हमेशा यहाँ जीने के लिए कौन आता है, कोई भी नहीं, हम यहाँ जितने लोग हैं ना, यहाँ इतने सारे लोग हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 50 साल या मैक्सिमम 100 साल पकड़ेंगे ना, 100 साल के बाद ये बच्चे बच्चे भी नहीं दिखेंगे, सबके सब मर चुके होंगे, है ना। हमेशा जीने के लिए कोई आया है क्या? हर किसी को मरना ही है, हमें भी मरना है और अपने लोग भी मरेंगे। तो कोई अगर मर गया तो उस समय हम अच्छा खाना बना करके दे सकते हैं क्या, अच्छा कपड़ा है करके दे सकते हैं क्या, अच्छा घर है करके रख सकते हैं क्या, अच्छा ये है वो है पैसा है करके दे सकते हैं क्या, किसी भी प्रकार से सेवा नहीं कर सकते। तो उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं अगर हमें उनके प्रति सही रूप में आदरांजलि देना है, सही रूप में कृतज्ञ होना है, तो पुण्य करो, धम्म करो, शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो, कम से कम शरीर से बुरा मत करो, वाणी से बुरा मत बोलो, मन से बुरा मत सोचो, ऐसे पुण्य कार्य करते हुए वो पुण्य अनुमोदन करना है।
अगर ऐसा पुण्य अनुमोदन करेंगे और उनको सही रूप में जरूरत पड़ा तो ये पुण्य प्राप्त भी होगा, अगर उनको जरूरत भी नहीं पड़ा तो प्रत्यक्ष रूप से हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, ये हमें पुण्य मिल रहा है। इसलिए तथागत बुद्ध ये पाली गाथा द्वारा भी कहते हैं, ये जीवन कैसा, ये जीवन का वास्तविकता कैसा है, तो तथागत बुद्ध कहते हैं पवात दीप तुल्याय सायु संततिया खयं परोपमाय संपासं पावय मरना सती पवात दीप तुल्याय। यह हमारे जीवन जो है ये चारों ओर हवा चल रहा है, ऐसे जगह पे बीचों बीच दिए जल रहे हैं, मेनबत्ती जल रहे, ऐसा ही हमारा जीवन है। यहाँ दीवार में चिपक के यहाँ मेनबत्ती जल रहा है, फिर भी कितना मुश्किल है, कितना तो बुझ भी गया है ना, तो खुले हवा में खुले मैदान में वो जलाएंगे तो कितनी देर जल जाएगा, कभी भी कहीं से भी थोड़ा भी हवा आया वो बुझ जाएगा। वैसा ही हमारा जीवन है, कब कहाँ कैसे हमारा जीवन का अंत होगा किसी को पता नहीं, और ऐसा किसी का जीवन भी गारंटी लेके नहीं आया कि वो तो 50 साल ही जिएगा या 100 साल ही जिएगा। देखते हैं ना बहुत सारे लोग माँ के पेट में ही मर जाते हैं, बहुत सारे लोग जन्म होते ही मर जाते हैं, बहुत सारे लोग बचपन में मर जाते हैं, जवानी में मर जाते हैं, अर्ध वयस्क में मर जाते हैं, बुढ़ापे तक तो सबको मरना ही है। तो मतलब जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, सुबह भी मर सकते, दोपहर को भी मर सकते, शाम को भी मर सकते, रात्रि भी मर सकते, ऐसा कोई समय ही नहीं जिस समय गारंटी है हम नहीं मरेंगे, कभी भी मर सकता है, कहीं भी मर सकता है। या तो हम बैठते हैं, या तो खड़े रहते हैं, या तो चलते हैं, या तो सोते हैं, इसको बोलते हैं इरियापद। ये चार इरियापद ही है, ये चार पोजिशन ही है हमारा, मगर ऐसा कोई इरियापद नहीं जहां हम नहीं मरते। ये बैठे बैठे नहीं मरेंगे ऐसा गारंटी है, खड़े खड़े नहीं मरेंगे गारंटी है, चलते चलते नहीं मरेंगे गारंटी है, सोते सोते नहीं मरेंगे गारंटी है, कहीं भी गारंटी नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं भावय मरना सती, पहले हमारे पास पैसा नहीं था, अभी पैसा आया, तो ऐसे समय में बहुत सारे लोग बहुत ही अहंकार होने लगता है, अभिमान होने लगता है, पैसा आने से भी अहंकार अभिमान चढ़ने लगता है। फिर तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं महासंपति संपदा यथा सतामता तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हे सती। महासंपत्ति संपदा, इस दुनिया में ऐसे ऐसे धनवान लोग जिसके पास इतना धन है उतना धन है भी पता नहीं, इतना सोना चांदी हीरा मोती है पता भी नहीं, ऐसे बड़े बड़े धनवान लोग भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, वो भी मर गए, ऐसे ऐसे पैसे मतलब थोड़ा खांसी भी आए तो नंबर एक डॉक्टर को दिखा के दवा करने वाले, शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए कितना भी पैसा खर्चा करके उसको दुरुस्ती कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं, ऐसे बलवान लोग, ऐसे पैसे वाले धनवान लोग भी इस दुनिया से अपने समय होने के बाद निकल जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमारा क्या है, हमें भी तो मरना ही है, कितना भी पैसा होने दो वो पैसा हमें जिंदा नहीं रख सकता, वो पैसा हमें नहीं बता सकता। अरे बाकी तो छोड़ ही दो, हमारा जीवन अनित्य है ये पता है ना, हमारा जीवन पल प्रतिपल खत्म हो रहा है ये पता है ना, देखो हमारा जीवन कम से कम मैक्सिमम चलो 70 साल 80 साल 100 साल जिएंगे, एक साल में कितना दिन रहता है, कितना दिन रहता है एक साल में 365 दिन, एक दिन में कितना घंटा रहता है 24 घंटा, एक दिन रात में 24 घंटा है, एक घंटे में कितने मिनट रहता है
7 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड रहता है? 7 सेकंड। और ये सेकंड जो है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये जो बीता हुआ ये सेकंड जो बीता बीत गया ना, ये हमारे जीवन के वो पल गया, गुजर गया। अब यकीन मानो, आप करोड़ों भी देंगे तो वो पल वापस आने वाला नहीं है। करोड़ों, मैं 1000-1200 की बात तो नहीं कर रहा हूं, करोड़ों देंगे तो भी ये बीता हुआ पल फिर से वापस नहीं आएगा। इसलिए पैसा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए याद रखना, उपत्या सहे वे तंग मरणंग आगतंग सदा। जैसे ही उत्पत्ति होता है, विनाश पीछे 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 आता है। जैसे ही जन्म होता है, मृत्यु भी पीछे 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 लग के आता है। जैसे एक शिकारी शिकार करने के लिए धनुष बाण ताक के बैठते है, जैसे ही शिकार आ गया वो शिकारी उसको धनुष बाण मार देते, वैसे ही मृत्यु हमें ताक के बैठे है। कब कहां कैसे खत्म होगा पता ही नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसा तो जीवन हम लेके आए हैं, तो ऐसे जीवन में ज्यादा अहंकार मत करो, ज्यादा अभिमान मत करो, ज्यादा हवा में उड़ते मत बैठो, जमीन पे रहो और हमेशा ये याद करके चलो कि हमें भी मरना है। ये शरीर जिसे हम इतना प्यार करते हैं, ये शरीर भी छोड़ के जाना है। ये अपने परिवार जिसे हम इतने अपना प्रिय बनाते हैं, उसको भी छोड़ के जाना है, वो भी चला जाएगा। जो धन संपत्ति वो भी खत्म हो जाएगा, सब के सब छोड़ के जाना है। तो ऐसे जीवन याद करते हुए जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम धर्म करेंगे, वही हमारे पीछे आएगा, वही हमारे साथ आएगा, बाकी तो यही छोड़ के जाना है। नारायण उपासक गया ना, वो उपासक क्या मेरे परिवार है, मेरे बच्चे है, किसी को लेके गया क्या? मुझे ये घर है, संपत्ति है, मुझे लगेगा करके क्या कुछ लेके गया क्या, ले जा पाया क्या? नहीं, बाकी तो बाकी अपना शरीर भी यही छोड़ के गया। उनके मरने के बाद कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बनाया और बचा खुचा अस्थि भी पानी में बहा दिया। देखो क्या क्या लेके गए। हमें भी वही रास्ते पे जाना है, अच्छे करो या बुरे करो, वही रास्ते पे जाना है। और रास्ते पे जाते समय यही जो हमने किया है वही हमारा मदद करेगा। अगर हमने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपने पास पैसा जमा करके रखा, तो कभी भी आपद विपद में वो काम आएगा, या कभी भी आपको खर्चा करना पड़े तो आप अच्छे से खर्चा कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ से कहीं बाहर जाते समय भी अनेक ऐसे खर्चा लगता है, तो अच्छे से हम यात्रा कर पाएंगे। खर्चा नहीं रहा ना, यात्रा अच्छा नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ से जाते समय भी हमें यात्रा के लिए खर्चा तो लगता है ना, तो ऐसे समय में ये धन संपत्ति खर्चा कुछ नहीं काम आता, पुण्य रूपी खर्चा ही काम आता है। जितना पुण्य करेंगे उतना हमारा यात्रा अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, शांतमय रहेगा, और हम अच्छे अच्छे सुगति में जा पाएंगे। अगर हमने बुरा किया, अकुशल किया, पाप किया, तो वो हमें इतना खींच खींच के दुर्गति में लेके जाएंगे कि हम बचे नहीं पाएंगे, हमारे अपने लोग भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए याद रखना, उपासक उपासिकाएं, जीवन में ढेर सारा पुण्य करना है, बार बार करना है। जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। और उसके लिए जो गुजर गए उन लोगों के पुण्य स्मृति का नाम उससे एक पुण्य का माहौल बनाना चाहिए। जो जीवित है उन लोगों के जन्म दिवस के नाम पे वो पुण्य का माहौल बनाना चाहिए। और जीवन में जो बड़े बड़े कार्य होता है उसका नाम लेके, कोई शादी का, कोई कुछ एक का नाम लेके ऐसा पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, पुण्य का माहौल बनाना चाहिए। क्योंकि इंसान जो है ना, अच्छे काम करने में बहुत ही स्लो है, और जो अच्छा नहीं है उसमें बहुत भागते जाता है। जैसे हमने वजन के समय में भी बात किया ना, बंदे जी वहाँ डायबिटीज है,
तो जैसे जब से डायबिटीज होने से पहले उनको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं, बोले जब से डायबिटीज हुआ मीठा खाना नहीं है ना, मीठा खाना नहीं, तब से और मीठा खाने का मन होता है, बोले हाँ मीठा मत खाओ और खाने का मन। वैसे ही पाप मत करो, पाप मत करो, पाप में ही ज्यादा अट्रैक्शन, धम्म करो, धम्म करो, धम्म में तो अट्रैक्शन ही नहीं है। इसलिए ये याद रखो, धम्म करेंगे तो हमारा खुद का कल्याण होगा, पाप करेंगे हमारा हाँ दुख कष्ट का कारण होगा। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहिए तो हमें पुण्य ही करना है, वो भी बार बार करना है ताकि हमारी आदत बन जाए। एक बार पुण्य करने की आदत बन गया तो हम चाहे न चाहे बार 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 होता रहेगा। इसलिए जब तक आदत नहीं बन जाए, आदत बनाने के लिए वो पुण्य कार्य बार बार करना चाहिए, वो पुण्य का माहौल बार बार बनाना चाहिए। तो आज हमने विशेषतः तालकथित नारायण भुजंगा आउते उपासक के पुण्य स्मृति में पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रित करते हुए हमने संग दान दिया, भोजन दान दिया, धम्म देशना सुना, परित्राण सुना, शील प्रार्थना किया। ये जितने जो भी कर रहे हैं ये पुण्य है, धम्म है। तो इस पुण्य के अनुभव से, इस धम्म के अनुभव से हम कामना करते हैं दिवंगत उपासक को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो, साथ ही साथ संपूर्ण जीवित आयु प्रमुख संपूर्ण आहुति परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे और ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सप मंगलं। बोलिए साधु साधु साधु। अभी आप पुण्यानुमोदन करेंगे, पुण्यानुमोदन के लिए एक बर्तन, एक वाटी और तांबे में पानी भर के लाइए। अभी सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए और नजदीक वाले इसको पकड़ के बैठिए, बाकी सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, अभी पुण्यानुमोदन करेंगे। धीरे धीरे चले इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता वन्तु न्यातयो, इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता वन्तु न्यातयो, इदंगो न्यातिनं होतु सुखिता वन्तु न्यातयो, एतावता चम्मेहि संबदं पुण्य संपदं सभ्य देवा अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया, एतावता चम्मेहि संबदं पुण्य संपदं सभ्य सत्ता अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया, एतावता चम्मेहि संबदं पुण्य संपदं सभ्य भूता अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया, अनिच्चावत संकारा उपादवयदम्मिनो उपासित्वा निरोजन्ति तेषां उपशमो सुखोति। साधु साधु साधु। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, आशीर्वाद देते हैं। पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबेतियो विवाजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवत्वान्तरायो सुखी दीर्घायुको भव,
भवतु सब मंगलांग रक्षन्तु सब देवता सब भूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलांग रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सब मंगलांग रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते इच्छितं पाचितं दुह्यं क्षिपमेव समेचतु सबे पुरेन्तु चित्तसंकल्पाचन्दो पन्नरसूयता आयु आरोग्य संपाति सग संपाति मेव च अतो निपान संपाति इमिनाते समेजतो साधो 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संगं नमामि अहं वंदामि सर्वदा अहं वंदामि सर्वदा अहं वंदामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।